हमने हमद जो सबक पढ़ा था उसमें ये सवाल दिए गए, इसको अपने को हल करना है। और यही सवाल आपको वर्कबुक में भी मिल जाएंगे, मैं उसका पेज नंबर और फ्लैश कार्ड आपको दे दूंगी। उस वर्कबुक में भी करिए और क्लास वर्क में भी करिए, पढ़िए लिखिए। हमद के वो अशआर जिनमें मौसमों का जिक्र किया गया, पढ़िए। तो कौन से है वो अशआर जिसमें मौसमों का जिक्र किया गया, यहाँ पर हमको दिए गए। जाड़ा आ पहुँचा और गई बरसात, दम के दम में पलट गए दिन रात, फिर लगी पढ़ने जब बहुत सर्दी, मुश्किल आसान तूने फिर कर दी। जाड़ा आखर हुआ और आई बहार, जंगल और टेले हो गए गुलजार। यहाँ पर मौसमों का जिक्र किया गया। दूसरा सवाल है, शायर ने हमद में खुदा के नाम के इजहार मुख्तलिफ अंदाज में किया है, जैसे खुदा, मालिक वगैरह। खुदा के नाम को जाहिर करने वाले दीगर अल्फाज को तलाश करिए, मतलब खुदा के नाम को जाहिर करने के वास्ते और शायर कौन कौन से अल्फाज का इस्तेमाल किया। बोले तो बोला था रब का इस्तेमाल किया, मुश्किल कुशा का इस्तेमाल किया, खुदाई का इस्तेमाल किया, पालने वाले का इस्तेमाल किया। ये तमाम चीज़ें जो है ना, मैं आपको फ्लैश कार्ड में दे दूंगी, उसको देखकर आपके वर्कबुक में भी लिखिए और क्लास वर्क में भी लिखिए। उसके बाद ये आ गया, इस शेर को पढ़िए और अपने अल्फाज में इसका मतलब बयान कीजिए। की सदा तूने मुश्किलें आसान, तेरी मुश्किल कुशाई के कुर्बान। मतलब शायर यहाँ पर क्या बोल रहा, अपने अल्फाज में उसको बताना है। तो क्या बोल रहा शायर कि अल्लाह ताला जो है ना, हमारी मुश्किलों को हमेशा आसान कर देता है, मुश्किल में से हमको निकाल देता है। जब हम किसी मुश्किल में होते हैं तो इसकी ये सिफत बहुत मुकद्दस है कि इस सिफत के ऊपर हम जो है ना उसके कुर्बान जाएं, कि वो हमारी हर मुश्किल को आसानी में बदल देता है और बहुत जल्दी हमको मुश्किल से निकाल कर हमें राहत देता है। इस नज़म के तमाम अशार पढ़िए और हम वज़न अल्फाज की फहरिस्त बनाइए। हम वज़न अल्फाज माने आखिरी में ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जाता जिसकी वजह से वो हम वज़न बन जाते, जैसे खुदाई, बड़ाई। पढ़ने में कैसा है, हम वज़न है। और क्या है, पालने वाला, निकालने वाला। पढ़ने में कैसे है, हम वज़न है, दोनों का वज़न एक है। खिलाता है, पिलाता है, खलखत, सूरत, खता, औसान और जान में जान, बहार, गुलजार। ये क्या है, वज़न पैदा हो रहा, दोनों में भी क्या है, तवाज़ुन है। जैसे हम तराजू में दोनों दोनों पल्लों में एक ही तरह का वज़न डालते हैं, इसी तरह बहार और गुलजार में भी कैसे है, एक ही वज़न के अल्फाज है। तो वैसे अल्फाज मैं आपको जो है ना फ्लैश कार्ड में भिजा दूंगी। उसके बाद है, नज़म पढ़कर हसब ज़ेल सवालात के जवाब दीजिए। अल्लाह ने हमें कौन कौन सी नेमतें अता की। नज़म में हमको बताया गया कि अल्लाह ताला ने हमें जो है ना देखने के लिए दो आँखें दी, सुनने के लिए दो कान दिए, मौसम बनाए, तरह तरह के मौसम, चार किस्म के मौसम बनाए, ताकि इंसान जो है ना एक मौसम से बेजार ना हो जाए। तो ये क्या है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी जो है ना हमारे ऊपर मेहरबानी है कि उसने हमारे लिए मौसमों को बनाया, और ये नेमतें हैं अल्लाह ताला की। उसके बाद है, शायर ने इस नज़म में कितने मौसमों का जिक्र किया। तो शायर कौन से मौसमों का जिक्र किया, हम पढ़े थे जाड़े का मौसम है, बहार का मौसम है, गर्मियों का मौसम है, और वो जो है ना मेह भी बरसाता है, यानी बरसात भी ला देता है, ये मौसमों का जिक्र किया। जंगल और टेले कब गुलजार हो जाते हैं, यानी कब उसके अंदर मोलके फूटते हैं, कब वो जो है ना हरे भरे हो जाते हैं, बोल के यहाँ पर पूछ रहा। तो जब बारिश होती है तो जंगल और टेले कैसे हो जाते हैं, गुलजार हो जाते हैं। यानी जब बारिश से पहले कौन सा मौसम रहता, गर्मा का मौसम रहता, तो गर्मा के मौसम में तमाम तरफ जो है ना गर्मी की वजह से तमाम झाड़ है, छोटे छोटे पौधे हैं जो पीले हो जाते और जिसके पत्ते झड़ जाते। तो बारिश का मौसम आने से क्या हो जाता, उसमें हरा भरा हो जाता, हरियाली आ जाती और गुलजार बन जाते वो। शायर ने मौसमों के बदलने को इस हमद में किस तरह बयान किया, यानी मौसमों का बदलने को शायर यहाँ पर बता दिया कि जब
जाड़ा आता है तो बरसात चली जाती है, मौसम बदल गया यहाँ पर तो। और दम के दम में क्या हो जाता, दिन रात पलट जाते, यानी एक दिन जो है ना जाड़ा जैसा ही जाता बरसात आ जाती, ऐसा यहाँ पर बताया गया। फिर लगी पढ़ने जब सर्दी, मुश्किल आसान तूने कर दी। यहाँ पर भी क्या है, मौसम का बदलना बताया गया। जाड़ा जब आखिर हुआ, जाड़ा आखिर हुआ और आई बहार, जंगल और टेले हो गए गुजार। यानी मौसम किस तरह बदलता, एक ही दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी से क्या हो जाता, दूसरे दिन बारिश होना शुरू हो जाती। बहुत ज़्यादा बारिश जैसे ही रुक जाती जो है मौसम बदल जाता, तो क्या होता, जाड़े आना शुरू हो जाते। तो इस तरह यहाँ पर कौन से अशआर में ये बताया गया वो यहाँ पर हमको लिखना है। ये तमाम चीज़ें मैं आपको वर्कबुक में पेज नंबर के साथ दूंगी, वर्कबुक में भी लिखिए और क्लास वर्क में भी लिखिए।